तो ये है रेजोनेंस का गेट नंबर एक। इस रेजोपथ में आप देख सकते हैं कल्पित वर्मा के बारे में लिखा हुआ है। ये रेजोनेंस का पाथ है, ये रेजोनेंस का मोटो, यहाँ पर साइकिल स्टैंड वगैरह है। ये बिल्डिंग का मेन गेट है, आप यहाँ पर है रिसेप्शन एरिया, ये आप देख सकते हैं। पेरेंट्स से इंक्वायरी चल रही है, सामने रेजो केयर है। तो मैम किस प्रकार से रेजो केयर जो है वो रेजोनेंस में वर्क करता है? यहाँ पर इनडेप्थ किसी बच्चे कोई भी क्वारी, रिसेप्शन के जस्ट पास में ही स्टूडेंट सर्विस काउंटर वगैरह आपको मिल जाएंगे। जो रैंकर्स है उनका इंटरव्यू चलते रहते हैं। रेजोनेंस का लास्ट ईयर का रिजल्ट और अभी तक का जो रिजल्ट रहा है रेजोनेंस का ऑल ओवर, इसके अलावा पास में ही यहाँ पर संकल्प लिखा हुआ है मेरा संकल्प नाम से। यह है रेजोनेंस का क्लासरूम, कि यहाँ पर है कंप्यूटर लैब जहाँ पर बच्चे स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा ये ऑडिटोरियम है स्टूडियो यहाँ का, जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह ऑपरेट की जाती है। बहुत लाइव क्लासेज यहाँ पर चल रही है। यह रेजोनेंस का सेल्फ स्टडी रूम, जैसे ये सेल्फ स्टडी रूम है, घर पे कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे आके पढ़ लेते हैं। चाहता हूँ कि मैं यहाँ रेजोनेंस से पढ़कर IIT में बेहतरीन रैंक से अपना सिलेक्शन लेके जाऊँगा और अपने माता पिता का सपना पूरा करूँगा। गर्ल्स को ही यहाँ पर अलाउ किया जाता है। और मैं लास्ट ईयर से यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ JEE के लिए। बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये रेजोनेंस में हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्रैक्टिकल लैब है। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों हमारे साथ है विकास कौशिक सर, जो कि रेजोनेंस कोटा के सीनियर मैनेजर है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि रेजोनेंस के कोर्सेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी रेजोनेंस कोटा के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ जस्ट कोटा में, रेजोनेंस कोचिंग का सबसे बड़ा कैंपस है उसके जस्ट आगे। और यूँ कह सकता हूँ कि मैं खड़ा हुआ हूँ जस्ट इसके जो आगे फ्लाईओवर नया बना है ना, उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से आपको पूरी कोटा की लोकेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो में कोटा का जो रेजोनेंस का कैंपस है उसका पूरा टूर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल VR स्टोरी व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हम कोटा और कोचिंग से रिलेटेड कई तरह के कंटेंट इस चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको दिखाने वाला हूँ मैं पूरा कैंपस टूर रेजोनेंस का, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़े कैंपस के रूप में जाना जाता है कोचिंग इंडस्ट्री में कोटा शहर में। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ की कई सारी ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों कोटा के जिस रेजोनेंस वाले फ्लाईओवर यानी कहीं सिटी मॉल के फ्लाईओवर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उस यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप एलन की सागर बिल्डिंग यहाँ से दिख जाएगी, कोटा का सबसे महंगा होटल कंट्री होटल आपको दिख जाएगा। इसके अलावा इधर चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है सन प्राइम की जो बिल्डिंग है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट है, फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं फैमिली के लिए, वो देख सकते हैं यहाँ से। ये फ्लाईओवर है, ट्रैफिक है। इसके अलावा ये है यहाँ पर सिटी मॉल, जो कि कोटा का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है। सिटी मॉल काफ़ी शानदार लग्जरी है, लगभग कोटा में आने वाले सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट इसमें ज़रूर आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और क्रिसमस और जब न्यू ईयर की बात होती है तो वो शानदार लग्जरी तरीके से ये सजा हुआ रहता है। और इसके पास में आप देख सकते हैं रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो गेट नंबर एक, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा रेजोनेंस का कैंपस टूर मैं करवाने वाला हूँ आपको। और ये मैं जो मान सकते हैं आप कि कोटा के सबसे बड़े कैंपस में इसका नाम आता है। ये है रेजोनेंस की बिल्डिंग का गेट नंबर एक, यदि यहाँ से एंट्री मिल जाएगी तो यहीं से आपको टूर करवाएंगे, लेकिन इसके दूसरी साइड गेट नंबर दो है, यदि वहाँ से मिलेगी एंट्री तो वहाँ से टूर करवाएंगे। तो दोस्तों ये है रेजोनेंस का गेट नंबर एक, यहीं से हमें एंट्री मिलने की परमिशन मिल चुकी है। इसी के अंदर चलते हुए हम आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस में क्या क्या है, कि हमने रेजोनेंस में एंट्री ले ली है। ये देख सकते हैं आप रेजोनेंस की गैलरी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सिक्योरिटी रूम वगैरह रेजोनेंस का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी है, जहाँ पर टॉपर्स के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। बहुत हरियाली वगैरह यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। रेजोनेंस के टॉपर्स के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप इधर देख सकते हैं। रेजोनेंस का कैंपस टूर आपको करवा रहे हैं हम। इधर पास में साइकिल स्टैंड है, जहाँ पर साइकिलें खड़ी होती है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये रेजोनेंस का साइकिल स्टैंड है, जहाँ पर कई सारी साइकिलें खड़ी होती है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि कोटा में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे बड़ा साइकिल का जो पार्किंग का स्पेस है ना, वो रेजोनेंस की इसी बिल्डिंग में मिलता है। आप देख सकते हैं ये गैलरी है रेजोनेंस की। इस रेजोपथ में आप देख सकते हैं कल्पित वर्मा के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाकर रेजोनेंस की तरफ से अपना नाम रोशन किया था। आप देख सकते हैं ये भी इस रेजोपथ में ही, यहाँ पर मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर इनका फ़ोटो लगाया हुआ है। अब आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर जितनी भी रेजोनेंस की अच्छी अच्छी प्लेसेज है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रेजोनेंस का पाथ है, रेजो पथ, इस पर लिखा हुआ है कि रेजोनेंस में अभी तक 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट में भी सेलेक्टेड हो चुके हैं। ये रेजोनेंस का मोटो, रेजोनेंस जैसा कोई नहीं, इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ के बच्चों के मोटिवेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड वगैरह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिल पार्क होती है। अभी यहाँ पर कुछ ही साइकिल्स है, क्योंकि कई सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज भी कंडक्ट कराई जा रही है इस वजह से। अदरवाइज़ ये पूरा कैंपस जो कि पार्किंग में काफ़ी बड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में,
जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिल्स वगैरह पार्किंग होती है। इसके अलावा टॉपर्स के बारे में अलग अलग डिटेल्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई गैलरी में अंदर भी लिखी हुई होगी, वो भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको अब अंदर लेकर चलता हूँ मैं डायरेक्ट, और आपको रेजोनेंस का पूरा कैंपस टूर करवाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो बने रहिए लास्ट तक रिसेप्शन एरिया के थ्रू। दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं रेजोनेंस के कैंपस के अंदर। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर स्टूडेंट और जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है, जिसकी भी चाहे वो स्टूडेंट है कोई भी पेरेंट्स हैं उनकी यदि कोई भी इंक्वायरी वगैरह होती है, कोई भी क्वायरीज होती है, तो यहाँ पर मैडम बैठी हुई है, उनकी सभी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने की कोशिश करती है, और स्टूडेंट्स की भी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोल्व कर दी जाती है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स से इंक्वायरी चल रही है, पेरेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने वर्क के लिए। तो आप देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर सीट्स वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर वो वेट कर सकते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। ये पूरा रिसेप्शन एरिया है रेजोनेंस का, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। सामने रेजो केयर है, वहाँ पर भी मैडम बैठी रहती है, उनसे भी हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से रेजो केयर वर्क करता है। तो दोस्तों हमारे साथ मैम है जो कि रेजो केयर को देखती है, तो मैम किस प्रकार से रेजो केयर जो है वो रेजोनेंस में वर्क करता है? हेलो सर, रेजो केयर डिपार्टमेंट में प्री एडमिशन सपोर्ट सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग पेरेंट्स और स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन के लिए स्टूडेंट जब आते हैं कोटा, तो जो भी उनको इंफॉर्मेशन की नीड रहती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन तक का प्रोसेस पूरा रेजो केयर डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसके अलावा स्कूल सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट के लिए स्कूलिंग की फैसिलिटी भी रेजोनेंस की तरफ से ही प्रोवाइड उनको करी जाती है। इसके अलावा जब बच्चे को आने वाले टाइम में जब बच्चा रेजोनेंस में स्टडी करते हैं, अकेडमिक काउंसलिंग की नीड होती है बच्चों को, वो भी रेजो केयर की तरफ से डील होती है। प्लस इसके अलावा जब बच्चे को कॉलेज काउंसलिंग एग्ज़ाम्स होने के बाद किस तरह के कौन से कॉलेज में बच्चों को जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, वो हम लोग बच्चों को सपोर्ट करते हैं। फॉर्म फिलिंग में जब अलग अलग एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो उनकी इंफॉर्मेशन देना, उनको फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट करना, ये पूरा सपोर्ट हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके अलावा गर्ल्स काउंसलिंग सेल मतलब GCC पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें गर्ल्स को किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, आइदर वो एकेडमिक हो या पर्सनल इशू हो, वो पूरा सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 24/7 हमारी जो टीम है वो स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है रेजो केयर डिपार्टमेंट, जो कि एडमिशन से रिलेटेड सभी प्रकार के जो प्रोसेस है वो एक साथ कंप्लीट कर देता है। मैम ने लगभग रेजो केयर से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज है सबके आंसर्स बता दिए हैं। आप देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया के थ्रू स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं। ये पास में एडवांस काउंसलिंग के लिए भी कैबिन बना हुआ है, रूम बना हुआ है, जहाँ पर इनडेप्थ किसी बच्चे की कोई इंक्वायरी वगैरह होती है तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनडेप्थ किसी बच्चे की कोई भी क्वायरी है तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एडवांस काउंसलिंग चल रही है। तो दोस्तों रिसेप्शन के जस्ट पास में ही स्टूडेंट सर्विस काउंटर वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं फॉर्म सेल काउंटर यहाँ पर है, यदि आपको एडमिशन लेना है IIT या NET किसी में भी, तो आपको यहाँ से फॉर्म लेना होगा, फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, ये आपको फॉर्म दे देंगे जो अपना वर्क कर रहे हैं। ये भी फॉर्म वाला काउंटर ही है। इसके पास में आप देख सकते हैं कि हॉस्टल सपोर्ट के लिए आपको कोई भी क्वायरीज है तो भी इसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा फ़ी डिपॉजिट काउंटर भी यहाँ पर है। कुल मिलाकर इस छोटी सी जगह में आपको एडमिशन लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फॉर्म लेने से लेकर फीस डिपॉजिट करने का जो पूरा प्रोसेस है, कुल मिलाकर आपका एडमिशन यहाँ पर इन छोटी सी जगह पे ज़्यादा आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आपका पूरा वर्क एडमिशन का यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो रैंकर्स हैं उनके इंटरव्यू चलते रहते हैं बच्चों के मोटिवेशन के लिए। TV में रिसेप्शन एरिया में ये ब्लॉक है। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने है सरस्वती मैया का मूर्ति लगी हुई यहाँ पर। ये है रेजोनेंस का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 8, जो कि रेजोनेंस के थ्रू क्लासरूम प्रोग्राम से बच्चे ने अचीव की थी। और अभी तक का जो रिजल्ट रहा है रेजोनेंस का ऑल ओवर, उसका रिजल्ट का यहाँ पर रेशो है IIT NIT और NEET के बच्चों का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। सामने देख सकते हैं हम ये सरस्वती मैया का, जो कि विद्या की देवी मानी जाती है। इसके अलावा पास में ही यहाँ पर संकल्प लिखा हुआ है, मेरा संकल्प नाम से, जो भी मोटिवेशन के लिए एक स्टूडेंट के लिए जो बातें होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और पास में देख सकते हैं रेजोनेंस का जो मोटो है, रेजोनेंस जैसा कोई नहीं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। इसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंपस है, जहाँ पर अलग अलग जगह काउंटर्स वगैरह लगे रहते हैं काउंसलिंग के लिए, बच्चे वगैरह आते जाते रहते हैं। और भी कई तरह के डिपार्टमेंट है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रेजोनेंस का अंदर का सीन है, ये मंदिर के पास इधर ही साइड में हम देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत कैंपस है रेजोनेंस का, कोटा शहर में काफ़ी अच्छा नाम है। IIT और NEET की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है ऑल ओवर इंडिया से।
स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। इतने रेजोनेंस की फैकल्टी टीम जहाँ पर सिटिंग करती है, बैठती है, उस फैकल्टी रूम में मैं आपको एंट्री करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फैकल्टीज़ रूम है, यहाँ पर रेजोनेंस की जितनी भी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ है वो सब सिटिंग कर रही है। तो दोस्तों आपको अब रेजोनेंस के क्लासरूम दिखाने की हम कोशिश करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं। ये हम ओपन कर रहे हैं गेट और आप देख सकते हैं ये है रेजोनेंस का क्लासरूम, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं ऑफलाइन तरीके से। फेस मास्क सबने यूज़ किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं और एक ख़ास बात, जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है वो सारे लेक्चर भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। कोविड के बाद में रेजोनेंस की ये इस प्रकार से क्लासेस चलती है और यही क्लासेस है ना ऑनलाइन बोर्ड में भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको लेके चलते हैं रेजोनेंस की रामानुजन कंप्यूटर लैब, जहाँ पर बच्चे जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर अपने ले सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाहर का सीन हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो टॉपर्स जो सितारे हैं रेजोनेंस के, उनका भी यहाँ पर फोटो वगैरह लगे हुए हैं ताकि बच्चों को समय समय पर मोटिवेशन मिल सके। इसके अलावा आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है कंप्यूटर लैब, जहाँ पर बच्चे CBT के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, वीडियो लेक्चर जो कि वो देख सकते हैं, ले सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पर कंप्यूटर लैब है जिसे जाना जाता है रामानुजन कंप्यूटर लैब के रूप में। रेजोनेंस में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे बच्चे एक बार में यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये है रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से रेजोनेंस में जितने भी स्टडी मटेरियल है वो तैयार किए जाते हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर हो या कोई बुक्स वगैरह की बात हो। देख सकते हैं आपके यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्टिवनेस के साथ में वर्क कर रहा है। स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वर्क चल रहा है कंटिन्यू, काफ़ी मेहनत चल रही है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ रेजोनेंस का ओडी यानी कि ऑडिटोरियम, जहाँ पर रेजोनेंस के बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। यूँ समझ सकते हैं हम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर ये सेटिंग्स की अरेंजमेंट है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे एक साथ गैदरिंग होकर देख सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े विक्ट्री सेलिब्रेशन जो होते हैं, JEE और NEET के जो विक्ट्री सेलिब्रेशन होते हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शानदार ये रेजोनेंस का ऑडिटोरियम है, जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। बहुत लग्जरी है, या तो आपको ये दिखेगा सिनेमा हॉल में या दिखेगा आपको रेजोनेंस में। और ये अभी तक की अन्य समझ सकते हैं कि सीक्रेट जगह थी जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इस जगह को नहीं दिखाया है। क्या यदि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो ही आपको ये पता होगा, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों रेजोनेंस का ये 6th फ्लोर है जहाँ से ऑनलाइन क्लासेज ऑपरेट की जाती है, लाइव क्लासेज वगैरह ऑपरेट की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाने वाला हूँ मैं स्टूडियो नंबर 1 जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह ऑपरेट की जाती है रेजोनेंस में। आप देख सकते हैं ये स्टूडियो नंबर 1 है यहाँ की, ये स्टूडियो यहाँ का जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह ऑपरेट की जाती है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। ये है स्टूडियो नंबर 1 रेजोनेंस में, और भी स्टूडियो है जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह चलाई जाती है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टूडियो नंबर 2 जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह, आप देख सकते हैं लाइव क्लासेज यहाँ पर चल रही है। यहाँ का स्टूडियो नंबर 2 है जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह ऑपरेट की जा रही है। यहाँ पर ये चेयर्स वगैरह लगी हुई है, स्टूडियो नंबर 2 है जहाँ से लाइव क्लासेज चलती है रेजोनेंस में। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि स्टूडियो नंबर 3 जहाँ पर भी लाइव क्लासेज ऑपरेट की जाती है। इसी प्रकार से रेजोनेंस में कई तरह के लाइव क्लासेज के जो स्टूडियो है वो है जहाँ से लाइव क्लासेज वगैरह की जाती है। यह रेजोनेंस का सेल्फ स्टडी रूम जहाँ पर बच्चे सेल्फ स्टडी के रूप में बैठकर पढ़ सकते हैं, जितना टाइमिंग वो पढ़ना चाहते हैं, जितना समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा रेजोनेंस में इन बच्चों का यदि कोई डाउट्स वगैरह, तो डाउट्स के लिए भी टीचर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनसे वो डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं इजीली। रेजोनेंस में सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, मतलब सारी शीट्स एकदम सिस्टमेटिकली बनाई गई हैं,
और क्वेश्चंस भी हर सेक्शन में अलग अलग सेक्शन क्वेश्चंस हैं, तो वो अपने आप बायफर्गेट हो चुके हैं, तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होती है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, जैसे भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम जाके बात कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जैसे ये सेल्फ स्टडी रूम है, घर पर कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर आके पढ़ लेते हैं, और डाउट्स भी होते हैं तो डाउट काउंटर पर चले जाते हैं और डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। मेरा नाम राहुल है और मैं सीकर से हूँ। मुझे यहाँ रेजोनेंस में पढ़ते हुए पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे IIT की तैयारी करने के लिए आया हूँ, और जैसे कि मैं इसकी जो सीटें हैं जो आपके IIT में पूरी तरह हेल्प करेंगी, हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इजी लेवल, हार्ड लेवल और उससे भी ऑर्डिनरी लेवल के इसमें क्वेश्चन है जो आपको IIT में बेहतरीन तरह से आपकी सहायता करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ रेजोनेंस से पढ़कर एक IIT में बेहतरीन रैंक से अपना सिलेक्शन लेके जाऊंगा और अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगा। दोस्तों आपको अब गर्ल्स स्टडी रूम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स के फोटो लगे हुए हैं, ऊपर मोटिवेशन क्वार्ट्स वगैरह लिखा हुआ है। गर्ल्स स्टडी रूम में हम चलते हैं, गर्ल्स से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। या आप देख सकते हैं कि गर्ल्स स्टडी रूम है जहाँ पर गर्ल्स जो है वो स्टडी कर सकती है, सेल्फ स्टडी, ओनली गर्ल्स को ही यहाँ पर अलाउ किया जाता है। गर्ल्स ही यहाँ पर स्टडी कर सकती है, सेल्फ स्टडी। आप देख सकते हैं गर्ल्स वगैरह यहाँ पर पढ़ रही है। सर, रेजोनेंस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जब मैं लास्ट ईयर से यहाँ पर हूँ और मैं लास्ट ईयर से यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ JEE के लिए, इस अभी मैं 2022 वाला जो अभी अटैम्प्ट आने वाला है इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं पॉजिटिव ही चीज़ें देख रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आके मुझे नहीं लगी। फैकल्टी बहुत अच्छी है। अभी हमारी पीछे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई ताकि हमारा कोर्स भी कवर अप जल्दी से हो जाए, और ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँ जल्दी से। और उसके अलावा भी हमें सारी चीज़ें, हमारे टीचर्स जो हैं, जो हमारी हमें फैकल्टी पढ़ा रही है, वो बहुत पॉजिटिव वे में हमें बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बोलते हैं कि अगर तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो तुम कितनी भी बार पूछ सकते हो। अलग से डाउट क्लासेस लगाई गई हैं, लैब में हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग चलती ही रहती है। उसके अलावा भी हमें, हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि हम अच्छे से अपना टारगेट अचीव कर पाएँ, और कहीं ना कहीं सारे ही बच्चे पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेके जा रहे हैं, और टीचर्स भी हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ रेजोनेंस की प्रैक्टिकल लैब, जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, और अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये वाली प्रैक्टिकल लैब रेजोनेंस की, जो कि यूँ समझ सकते हैं हम कि अभी तक ये सीक्रेट था, वो नहीं दिखाई है। हम सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिकल लैब दिखा रहे हैं रेजोनेंस की। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं, परखनली वगैरह, ये केमिकल्स वगैरह यहाँ के रखे हुए हैं। मैम भी यहाँ पर है जो कि यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह सिखाती है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल लैब रेजोनेंस की, जो कि अभी तक एक तरह से सीक्रेट था। रेजोनेंस के सारे सीक्रेट को आज हम सबके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कई तरह की सीक्रेट सके रेजोनेंस की दिखाई है। बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये मैम है यहाँ की, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट की हेड है मैम। ये रेजोनेंस में हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्रैक्टिकल लैब है, और आप जैसे देख रहे हैं कि ये केमिस्ट्री लैब में बच्चे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इस लैब में हम बच्चों को जब प्रैक्टिकल्स करवाते हैं सर, तो 12th बोर्ड को कवर करते हैं, ऑल बोर्ड्स, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स, और साथ में एक IIT एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस लैब में हम जितने भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स, कलर, PPT वो है, वो सब बच्चों को करवा देते हैं, ताकि बच्चों को इस टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है सर। दोस्तों रेजोनेंस में बच्चों के लिए मेडिकल की कुछ इनहाउस फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से क्या कहना है रेजोनेंस की इस फैसिलिटीज़ के बारे में। मैं पिछले कई सालों से रेजोनेंस के साथ जुड़ा हूँ। रेजोनेंस में ये खास बात है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ के लिए भी इनहाउस सर्विस यहाँ पे 24 आवर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडिया से किसी कोने से कोई स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो उसको पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा, इसकी सारी व्यवस्था रेजोनेंस ने की है। दोस्तों हमारे साथ है विकास कौशिक सर, जो कि रेजोनेंस कोटा के सीनियर मैनेजर हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि रेजोनेंस के कोर्सेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी रेजोनेंस कोटा के माध्यम से। नमस्कार विष्णु जी, और आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि JEE मेन और JEE एडवांस के अलावा नीट, जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है,
उसकी तैयारी भी कराता है, और साथ में हम लोग कॉमर्स से जुड़े हुए एग्ज़ाम सीए सीएस और लॉ के लिए क्लैट एग्ज़ाम उसकी भी तैयारी कराते हैं, और साथ में हमारा एक पीसीसीपी डिवीज़न भी है, प्री फाउंडेशन डिवीज़न, जिसमें हम क्लास फिफ्थ से लेकर टेंथ तक के बच्चों को अलग अलग स्कूल्स एग्ज़ाम और ओलंपियाड्स की तैयारी कराते हैं। पूरे देश में लगभग 80 से ज़्यादा शहरों में हमारे सेंटर्स हैं जिनमें हम लोग इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हैं। कॉमर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कुछ शहरों में होती है, बाकी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी इन सभी सेंटर्स पर होती है। अगर हम आईआईटी जेई या जेई एडवांस की बात करें तो 48,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी तक 20 साल में रेजोनेंस से सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें टॉप 10 रैंक्स भी रही हैं। इसके अलावा 17,500 से ज़्यादा बच्चे नीट में भी क्वालिफाई हुए हैं अभी तक। 2022 के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जेई मेन के लिए भी अर्जुन नाम से हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, और इसके अलावा हम लोगों के रिवीजन पैकेजेस टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी चल रही हैं जो 2022 में अपीयर हो रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसके लिए विद्यार्थी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन पर होंगे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2023 और 24 के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेज के लिए एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं और कोर्सेज स्टार्ट भी हो चुके हैं, और कोर्सेज 10th बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद 12th बोर्ड होने के बाद भी स्टार्ट होते रहेंगे। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के विद्यार्थी को हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है या ऑफलाइन ले सकता है, और साथ में रेजोनेट हमारा जो नेशनल लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अपीयर हो सकता है, और उसके माध्यम से वो अप टू 90% तक स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकता है। तो विकास सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाने में हमारी पूरी हेल्प की। एंड दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल वी आर स्टोर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम कोटा और कोचिंग से रिलेटेड कई तरह के कंटेंट्स समय समय पर बनाते रहते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आपकी कोई भी क्वायरीज है रेजोनेंस से रिलेटेड तो आप उसको देख सकते हैं, कॉल करके मैसेज करके आपको सभी क्वायरीज आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी रेजोनेंस के द्वारा। तो थैंक्स अलॉट सर एक बार फिर से आपका, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू।